हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। आज आपको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाली हूँ आपसे, विच इज़ दीज टू डिफरेंट शीट मास्क। सो यस, अगेन मैं वाओ एंड मामा अर्थ के कंपैरिजन के साथ वीडियो लेकर आ गई हूँ। एक मैंने शेयर किया था फेस वॉशेस का, एक मैंने शेयर किया था आई थिंक एप्पल साइडर विनेगर मॉइस्चराइज़र का, एंड देन मैंने शेयर किया था यस ये दोनों मैंने शेयर किए थे मामा अर्थ वर्सेस वाव में। सो ये शीट मास्क है एक उपटन वाला वाव का, और एक ये शीट मास्क है मामा अर्थ का रेटिनॉल वाला। इसका भी मैंने उपटन वाला यूज़ किया है। इसके दो शीट मास्क लिए थे, एक ये रेटिनॉल और एक उपटन वाला। सो उपटन वाला मैंने यूज़ कर लिया है, एंड इसीलिए ये कंपेरिजन मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। ये भी मैंने दो लिए थे, इसका मैंने उपटन ही दो ले लिया था, इसीलिए मैंने इसका एक ही लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार कितने सारे उपटन लगाते रहूँगी मैं। सो थोड़ा चेंज के लिए शीट मास्क मैंने अलग अलग ले लिए। ओके, सो द कंपैरिजन। सो सबसे बड़ा कंपैरिजन तो ये है, दोनों की शेप बहुत अलग है। दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल शीट मास्क, जो आपने कोई भी शीट मास्क यूज़ किए होंगे, आइस का शेप होता है, फेस का शेप जस्ट लाइक दिस। दिस इज़ अ नॉर्मल शीट मास्क एंड इट कम्स 25 grams फॉर 149 rupees एंड इट कम्स 25 ml फॉर 149 rupees। सेम प्राइस है, बट ये जो है ना, मैंने उपटन वाला यूज़ किया था, मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लगा। मतलब गुड वाइब्स के शीट मास्क यूज़ किए हैं मैंने, फेस शॉप के शीट मास्क यूज़ किए हैं, पर्पल का शीट मास्क यूज़ किया है। तो शीट मास्क लगाने के बाद जो फील होता है स्किन पे, जो चेंज फील होता है, जस्ट लाइक सॉफ्ट लगता है, हाइड्रेटेड लगता है, वैसा मुझे कुछ भी नहीं लगा इसका उपटन वाला में। एंड जस्ट नॉर्मल ऐसा लगा कि एक गीला सा टिश्यू पेपर रखा था और वो हटा दिया है, थोड़ा गीला गीला लगा फेस, और सूखने के बाद तो कुछ ही पता नहीं चल रहा था। तो वो शीट मास्क तो मुझे बेकार ही लगा। आई मीन इट वॉज नॉट अ शीट सेरम शीट मास्क, सेरम जैसा तो कुछ भी फील नहीं हुआ। एंड ये मामा अर्थ का उपटन फेस शीट मास्क। एंड अगर मैं बात करूँ दिस वाओ स्किन साइंस की, सो ये जो शीट मास्क है इसकी शेप ही बहुत अलग लगी मुझे, आपको भी लगेगी। और कान में ऐसे फंसाने के लिए इसमें अलग से शेप दिया हुआ है ताकि आप इसको होल्ड कर सको, एंड इट विल कवर योर नेक एरिया ऑल्सो। बट क्योंकि इसका शीट जो है वो बड़ा है, ज़्यादा बिगर साइज में है, तो इसने 25 ml पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। सो आई डोंट नो मैं इसे फ़ायदा कहूँ या नुकसान, क्योंकि शीट में फिर इस पैकेट में आपको कोई भी एक्स्ट्रा सेरम नहीं मिलेगा। जब आप इसका शीट मास्क बाहर निकाल लोगे वो पूरा एब्जॉर्ब कर चुका है, पैकेट में एक ड्रॉप भी नहीं मिलेगा। सो या अगर पैकेट में थोड़ा बहुत रह जाता है तो आपको उसे तुरंत ख़त्म करना पड़ता है अगले दिन या दो दिन में, बिकॉज वो खुला रखा हुआ है तो पता नहीं वो कैसा इफ़ेक्ट करेगा स्किन पे, राइट? क्योंकि बेसिकली सेरम्स जो होते हैं ग्लास बॉटल्स में हम रखते हैं, राइट? हम नहीं, मतलब जो पैक करते हैं, जो कंपनीज पैक करती है वो ग्लास बॉटल्स में रखती है। सो इसमें जो शीट मास्क में सेरम है ये पूरा एब्जॉर्ब कर लिया है, तो आपको कुछ बस यूज़ करो और फेंको है। एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी इसकी, मास्क निकालने के बाद मसाज करने के लिए कुछ बचा ही नहीं फेस पे। जैसे कि शीट मास्क, कोई भी आप शीट मास्क नॉर्मल यूज़ करोगे तो उसमें काफ़ी सारा सेरम होता है, तो 25 ml टू 30 ml ही सेरम होता है, बट शीट मास्क ही छोटा होता है तो एक्स्ट्रा काफ़ी होता है। तो आप एटलीस्ट 2 से 4 मिनट उसे फेस पे इस तरीके से मसाज कर पाते हो अपने स्किन पे, तो मसाजिंग की वजह से भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिल जाते हैं आपको सेरम शीट मास्क के। वेयर एज इसमें आपको मसाज करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा ड्राई हो जाता है फेस पे जब आप इसे टाइम इसमें दिया हुआ है आई थिंक 15 से 30 मिनट आपको इसे फेस पे रखना है।
वेल मैंने ये पहला शीट मास्क देखा है जिसमें 15 से 30 मिनट का वेरिएशन दे दिया है, अदरवाइज अप टू 10 मिनट्स, अप टू 20 मिनट्स, बस 20 मिनट से ज़्यादा मैंने नहीं देखा है किसी भी शीट मास्क में। बट ठीक है, अगर आपके पास जेड रोलर है तो आप इसका इस्तेमाल करो, क्योंकि ये पूरा नेक तक कवर करेगा। सो आप शीट मास्क लगाने के बाद उसके ऊपर जेड रोलर चला सकते हो, उससे काफ़ी अच्छी एब्जॉर्प्शन आपको मिल जाएगी। बट मास्क जो टिश्यू है, जो शीट है, वो रिमूव करने के बाद आपको मसाज करने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, हार्डली 10-20 सेकेंड ही आप थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हो। एक और चीज़ जो इसकी अच्छी नहीं है, इन्होंने एक्स्ट्रा शीट तो दे दिया यहाँ नेक कवर करने के लिए, बट वो स्टिक नहीं हो रहा था। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत गीला नहीं है, थोड़ा एब्जॉर्ब हो चुका है, तो थोड़ा डैम्प है, यस डैम्प है, गीला नहीं है, तो वो ऐसे चिपक नहीं रहा था गले पे, बार बार ऐसे लटक रहा था, निकल जा रहा था, और मुझे बार बार उसे ऐसे सेट करना पड़ रहा था। सो दैट इज़ अ डाउन साइड। सो आई थिंक जो इन्होंने शेप बनाई है शीट मास्क की, बहुत अच्छी है, बट उनको 5 ml एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना चाहिए, बिकॉज 25 ml में तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर चुका है, गीला ही नहीं है, वो स्टिक नहीं हो रहा है फेस पे। ऑल्दो दे हैव प्रोवाइडेड दैट ईयर कंट्रोलिंग सेक्शन, सो होल्डिंग सेक्शन, सो फेस का शीट मास्क तो नहीं गिरेगा, बट नेक पे भी नहीं चिपक रहा है, तो नेक पे लगेगा ही नहीं, तो क्या मतलब उतना एरिया देने का। इसलिए प्लीज़ 5 ml बढ़ा देना चाहिए वाओ स्किन साइंस वालों को। एंड दिस मामा अर्थ, इसमें आपको एक्स्ट्रा सेरम मिल जाएगा, सो आई डोंट नो अबाउट दिस रेटिनॉल वन, बट उबटन वाला मुझे इसका अच्छा नहीं लगा, उसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगी, एंड इफ़ेक्ट भी नहीं आया कुछ, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसमें मुझे थोड़ा सा जो हम नॉर्मल घर पे फेस मास्क लगाते हैं ना, मुल्तानी मिट्टी लगा लिया या बेसन लगा लिया, उसके बाद स्किन जैसे लगती है नॉर्मल वॉश करने के बाद, वैसा ही लगा, कुछ बहुत हाइड्रेटिंग या बहुत ड्राई ऐसा कुछ भी नहीं लगा, नॉर्मली लगा कि फेस पे मैंने कुछ लगाया था 10 मिनट, थोड़ा कूलिंग सेंसेशन लगा, सूदिंग इफेक्ट लगा, मतलब फेस काफ़ी रिलैक्स लग रहा था। अदर देन दैट इसके उबटन वाले में मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, और इसलिए मैं ये वाला रेकमेंड करूँगी। बट आपके पास अगर जेड रोलर नहीं है तो आधा घंटा रख लेना फेस पे, ताकि आपकी स्किन को अच्छे से बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि सीरम बचेगा ही नहीं, तो आप मसाज क्या करोगे, और आप मसाज नहीं करोगे तो स्किन पे पेनिट्रेट क्या होगा, इसलिए आधा घंटा रख लेना। और अगर आपके पास जेड रोलर है तो आप जेड रोलर चला लेना अपने शीट मास्क के ऊपर, तो सिर्फ 15 मिनट रख सकते हो, जेड रोलर 1-2 मिनट चला लेना ताकि वो स्किन पे पेनिट्रेट हो जाए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो। इंग्रेडिएंट्स भी दोनों में ऑलमोस्ट सेम है, एंड इसमें आपको रोज़ वाटर, विटामिंस एंड कुछ बैलेंस सैंडलवुड ऑयल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ वाली चीज़ें हैं, सेफ्रॉन एक्सट्रैक्ट है, एंड ऐसी चीज़ें हैं इसमें। एंड अगर आप इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे तो इसमें भी ग्लिसरीन है, ग्लाइकोल है, साइट्रिक एसिड है, ओके ये रेटिनॉल वाला है, बैम्बू शीट मास्क है ये। उबटन वाले में भी ऐसा ही कुछ है, बट रोज़ वाटर एंड सैंडलवुड नहीं था उबटन वाले में, हल्दी एंड टर्मरिक एक्सट्रैक्ट था, यस हल्दी और टर्मरिक तो एक ही चीज़ है, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट था। एंड इसमें आपको कुछ अलग अलग चीज़ें मिल जाती हैं, मैंने देखा है, सॉरी या मैंने वाओ स्किन साइंस का फेस मास्क का भी रिव्यू शेयर किया था, सो दोनों का कंपैरिजन, फेस मास्क जो नॉर्मल फेस मास्क आता है, सो मैंने जब वो वीडियो बनाया था तब मैंने काफ़ी सर्च किया, और मुझे पता चला था कि वाओ स्किन साइंस के जितने भी फेशियल मास्क हैं, उबटन है, एंटी एजिंग है, गोल्ड फेशियल मास्क है, वो सब में ना काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वेयर एज मामा अर्थ के फेस मास्क में सिर्फ एक या दो इंग्रेडिएंट जो मेन इंग्रेडिएंट होते हैं वो, बाकी उसको क्रीम बनाने के लिए, उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए जो केमिकल्स मिलाएंगे वो तो अलग है ही, जो मेन सेंटर ऑफ आई वाले इंग्रेडिएंट्स हैं कि यार इसमें ये डला है, बेनिफिट्स आपको इन इंग्रेडिएंट्स के मिलेंगे, ऐसे इंग्रेडिएंट्स मामा अर्थ में कम लगे मुझे, एंड वाओ स्किन साइंस में ज़्यादा लगे। एंड प्राइस दोनों की सेम है, सो
जैसे कि शीट मास्क में भी है वही प्राइस का एंड सेम क्रुएल्टी फ्री एंड मेड इन इंडिया एंड अल्कोहल फ्री 100% वीगन ग्लूटेन फ्री वगैरह वगैरह। तो इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा हैं जो बेनिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं एंड इसमें कम है। सो मुझे वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली मामा अर्थ से ज़्यादा अच्छे लगे एंड क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे कई चीज़ों में। फेस मास्क में भी क्वांटिटी ज़्यादा थी वाओ स्किन साइंस की एंड सिर्फ फेस वॉश बस मुझे थोड़ा सा डल लगा पैकेजिंग एंड एप्पल साइडर विनेगर। वो ट्यूब पैकेजिंग जो है ना वाओ स्किन साइंस की, वो पैकेजिंग अच्छी नहीं है, टाइट नहीं है, ट्रैवल फ्रेंडली नहीं है। अदर देन दैट आई थिंक अगर मुझे दोनों में से चूज़ करने को कहा जाए तो मैं यही चूज़ करूँगी वाओ स्किन साइंस। आई रियली लाइक पर्सनली मुझे वाओ स्किन साइंस के प्रोडक्ट्स इसके कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छे लगे। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मामा अर्थ के ज़्यादा अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे, बट मोस्टली जितने मैंने यूज़ किए हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वाओ स्किन साइंस के अच्छे निकले। शैम्पू तो मैंने अभी तक यूज़ किया नहीं है मामा अर्थ का। मामा अर्थ के फेस वॉश मुझे अच्छे लगे ज़्यादा, पैकेजिंग थिकनेस टेक्सचर राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, आई होप आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा हो। एंड शीट मास्क अगर मैं बात करूँ तो मैं ये रेकमेंड करूँगी आपको एंड मामा अर्थ का आप दूसरा ट्राई कर लेना। इसका मैं शॉर्ट बना के ज़रूर शेयर कर दूँगी इस चैनल पे कि ये शीट मास्क मुझे कैसा लगा, ये रेटिनॉल वाला, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा हर ब्रांड के हर प्रोडक्ट अच्छे हो ये ज़रूरी नहीं है और हर प्रोडक्ट बुरा हो ये भी ज़रूरी नहीं है। सो उबटन वाला शीट मास्क तो अच्छा नहीं था, मे बी ये निकल जाए अच्छा। एंड पैकेजिंग इनकी प्लास्टिक पॉजिटिव है। सो यस, थैंक यू सो मच।